हमारे साथ इस समय कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के विप नासिर हुसैन जी। सर, आज कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग थी, बैठक में आखिर क्या कुछ बातें सोनिया गांधी जी ने कही? ये कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी जी आज कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी को एड्रेस किया। उन्होंने जनरल बॉडी को एड्रेस करते हुए ये कहा कि आज देश को कांग्रेस की सख्त जरूरत है, देशवासियों को कांग्रेस की बहुत सख्त जरूरत है। जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पे है, जिस तरह से हर चीज का दाम बढ़ते जा रहा है, गरीब लोग, मध्यम वर्ग लोग और खासकर एमएसएमई सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को किसी भी वर्ग को कोई भी राहत नहीं मिल रही है, उनको मार पे मार पड़ती जा रही है। ऐसे टाइम पे ये जरूरी है कि कांग्रेस का एक एक बंदा नीचे ग्रास रूट लेवल पे उठे और कांग्रेस के जो प्रोग्राम्स हैं सरकार के खिलाफ उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करे। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो आपस में मतभेद है, छोटी मोटी नाराजगी है, अगर कहीं कुछ ग्रीवेंस है तो उसको भूल के कांग्रेस के हित में और देश के हित में वो एक हों और काम करें, ताकि जो है आने वाले दिनों में हम कांग्रेस को रिवाइव करने में कामयाब हों। इसके साथ साथ चिंतन शिविर में बात हुई है, सुनने में आ रहा है कि पूरा रिवाइवल प्लान है जिसके ऊपर अब वर्क करना शुरू कर दिया है पार्टी ने, उसकी भी कुछ जो झलकी ग्लिम्सेस की क्या कुछ रहने वाला है उसके बारे में भी उन्होंने बताया। कांग्रेस अध्यक्ष ने ये कहा कि ऑलरेडी एक सीडब्ल्यू से मीटिंग हो चुकी है, काफी लोगों को उन्होंने अकेले में बात की है, वन टू वन बहुत सारे लोगों से, अपने कोलीग से, अपने जनरल सेक्रेटरी से, एमपी से बात की है। उन्होंने कहा काफी अच्छे सजेशन ऑलरेडी आए हैं और उसको कलेक्ट भी किए हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम भी शुरू कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही पार्लियामेंट खत्म होगा एक और सीडब्ल्यूसी मीटिंग होगी, उसके बाद चिंतन शिविर होगा। उन्होंने कहा कि सारे लोगों को उसमें, ज्यादातर लोगों को उसमें अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, सजेशन देने का मौका मिलेगा, एक एक्शन प्लान पार्टी के लिए बनाने का मौका मिलेगा। उसमें उन्होंने कहा कि उसमें आप सारे लोग अपनी बात भी रख सकते हैं और उसके अलावा भी वो कह रहे हैं कि इसके बाद भी वो बहुत सारे लीडर्स को अकेले में बात करेंगे, वन टू वन बात करके कंसल्टेशन करेंगे कि आगे क्या करना है, कैसे आगे अपना एक रोडमैप बनाना है। ना सर, एक और चीज जो है वो है कि बीजेपी में हमला बोला गया, डिवीजन ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन, हेट्रेड, ये सब चीजें भी वहां पे बढ़ गई। थोड़ा बताएंगे क्या उस पर? उन्होंने कहा कि जो हम जिस तरह से महंगाई हो, जिस तरह से इनके गलत नीतियां, जिस तरह से लोगों को कोविड के टाइम पे मार पड़ा है, खासकर गरीब वर्ग के वर्ग, उसके बावजूद भी ये जिस तरह से ध्रुवीकरण करके जीत रहे हैं, तो ये अपने जो है पोलराइजेशन, डिवीजन की पॉलिटिक्स अभी भी छोड़े नहीं, इसको कंटिन्यू रखें। इसलिए कंटिन्यू रखें क्योंकि ये दूसरे फ्रंट पे, गवर्नेंस के उसके फ्रंट पे फेल हो रहे हैं, इसीलिए वो पोलराइजेशन कर रहे हैं। उसके खिलाफ भी हम लोगों को खड़े होना है, उसके खिलाफ भी हम लोगों को एक बड़ा रेसिस्टेंस बिल्डअप करना है, तो इसका कॉल उन्होंने किया। ये भी कहा कि जो है कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री को भी तोड़ मरोड़ के पेश किया। उन्होंने वही बहुत सारे जो सिम्बल्स हैं, बहुत सारे जो मेमोरीज हैं, बहुत सारे जो आइकन्स हैं, उनको सबको जो है ये नए जनरेशन के मेमोरीज से और देश के मेमोरीज से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी रेसिस्टेंस बिल्डअप कर रहे हैं। तो ये थी नासिर हुसैन जी हमसे बात करते हुए।